अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो उसका टॉपिक है कि एक नया फैंसियर जब बर्ड्स की फील्ड में आता है तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जिनको उसके लिए जानना ज़रूरी है बर्ड्स की फील्ड में आने के लिए। ठीक है, कि हाउ टू स्टार्ट अ बर्ड्स बिजनेस या हाउ टू स्टार्ट अ बर्ड्स हॉबी, मतलब आपने बर्ड्स की हॉबी कैसे स्टार्ट करनी है या बर्ड्स बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है आपने, उसके लिए आपको लिए पास कौन कौन सी चीज़ें, आपके पास किस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है, किस तरह का काम आपको करना चाहिए आने से पहले। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो ज़रा गौर से इतनी वीडियोस आप माशाल्लाह से देखते हैं मेरी, तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए जो लोग अक्सर मुझे कहते हैं यार आप लोग फिजिबिलिटीज़ बनाते रहते हैं और आप लोगों को सिर्फ नफ़ा की बातें बताते हैं, नुकसान की बातें नहीं बताते। तो लोग आपकी वीडियो देख के बर्ड्स के पैसे इन्वेस्ट कर रहते हैं और बाद में उनका नुकसान होता है और वो लॉस उठाते हैं। तो ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए कि भाई मैं अच्छी चीज़ें भी बताता हूँ, ये नहीं फिजिबिलिटीज़ बताता हूँ, मगर लोग मेरी सारी वीडियोस नहीं देखते। मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने बेस्ट पार्ट टाइम बिजनेस भी बताया हुआ है, मैंने बर्ड्स की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाई हुई है। मैं हर वीडियो में, अब ज़रूरी तो नहीं मैं हर बर्ड में हर वीडियो में जिक्र करूँगा कि यार ये लॉस हो सकता है, ये लॉस हो सकता है, ये लॉस हो सकता है। मैंने अपनी शुरू की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बंदा वीडियो बनाता है। फॉर एग्जांपल मैंने शुरू में बेसिक वीडियोज़ बनाई, फिर मैंने उसमें बताया कि यार आप जो नया बंदा आता है वो बजरी रख के स्टार्ट करे या लबड़ रख के स्टार्ट करे या ये वर्ड रख के स्टार्ट करे। तो मैंने शुरू से ज़ीरो से स्टार्ट लेने का बोला हुआ सबको। अब उन लोगों ने शुरू की वीडियोस देखी नहीं होती, बाद वाली एंड वाली वीडियोस देख लेते हैं तो वो कहते हैं कि यार आप जो हो लोगों को जो है मिस गाइड कर रहे हो। ठीक है, जो लोग मेरी सारी प्रॉपरली वन बाय वन वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि यार मैं कैसे इन्फॉर्मेशन देता हूँ और किस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि जो लोग बर्ड्स की फील्ड में आना चाहते हैं, बर्ड्स के मतलब जो हमारी वीडियोस देखते हैं, फिजिबिलिटी देखते हैं और ये सब कुछ हम दिखा रहे होते हैं यार इतनी इन्वेस्टमेंट करें इतने पैसे आप कमा सकते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करें इतने पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है। विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी फील्ड हो, बर्ड्स की फील्ड हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, बिना सीखे नहीं हो सकता। बिना सीखे जो बंदा काम करता है वो लॉस उठाता है, सिंपल सी बात है। हमने बर्ड्स की फील्ड में आया, अगर मुझे 4-5 साल हो गए तो मैंने भी लॉस उठाया, मेरे साथ भी फ्रॉड्स हुए, मैं भी बर्ड्स लेने जाता था, मुझे मेल फीमेल का पता नहीं होता था, मैं भी बर्ड लेता था, कभी वनडे नहीं देते थे, कभी बच्चे नहीं देते थे। तो जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप जाके बर्ड्स ले आओगे और ब्रीड करवाना शुरू कर दोगे डायरेक्टली और आपका बर्ड बीमार होगा, मरेगा और आप जो है क्लेम करोगे ब्रीडर ने ख़राब बर्ड दे दिए, उसने ख़राब बर्ड दे दिए, उसने ख़राब बर्ड दे दिए, कसूरवार आप हो, कोई और कसूरवार नहीं है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि बिना इलम हासिल किए कोई भी काम करोगे तो नुकसान उठाओगे। तो सबसे पहले आपने अगर बर्ड्स की फील्ड में आना चाहते हैं, देखें कोई भी काम इतना आसान नहीं होता, विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने, मैंने पिछली भी वीडियो बनाई थी, एक बंदे ने डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर वो डायरेक्टली तो नहीं डॉक्टर की डिग्री ले लेता और छुरी लेके वो जो ऑपरेशन करना शुरू कर देता, कोई दिल का डॉक्टर बन जाता है, कोई आँख का बन जाता है, कोई दिमाग का बन जाता है। उसके लिए उसके पास 15 साल उसको स्टडी करता है, वो शुरू से वो प्रेप नर्सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर मेडिकल लेता है, फिर मेडिकल में 4 साल का डॉक्टरी का कोर्स करता है, फिर उसके बाद जाके उसको डॉक्टर कहलाने की डिग्री मिलती है जब वो कामयाब होता है। तो कितने 14-15 साल की डिग्री इलम हासिल करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद उस लेवल पे होता है कि वो डॉक्टर बनता है। इसी तरह बर्ड्स की फील्ड है या कोई भी फील्ड ले लो, बिना सीखे कुछ भी नहीं होता। बिना सीखे काम करोगे तो नुकसान उठाओगे, फिर अब किसी को क्लेम नहीं करोगे यार इसने ख़राब चीज़ दे दी, उसने ख़राब चीज़ दे दी, उसने ख़राब चीज़ दे दी, किसी को आप क्लेम नहीं कर सकते। क्लेम आपको अपने ऊपर, भाई आपका जिम्मेदार आप लोग खुद हो अगर आप बिना नॉलेज के काम करोगे। सबसे पहले अगर आपने बर्ड्स की फील्ड में आना है, देखिए कोई भी काम इतना आसान नहीं होता कि आपको भाई ये इधर लाके बर्ड लगाया, इधर नर लगाया, इधर मादी छोड़ी उनको दाना रख दिया और बर्ड ब्रीड कर दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इतना आसान नहीं है, इतना हलवा कोई भी नहीं। इतना हलवा होता तो फिर सारे लोग बर्ड्स की फील्ड में आए हैं। आजकल क्या हुआ, लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में लोगों ने बेरोजगार हुए, उन्होंने बर्ड्स की वीडियोज़ देखी लोगों की कि घर में लगाना है और इसमें हमने लोगों के पास पैसे पड़े हुए थे, लोगों ने कोई 5 लाख लगा रहा है, कोई 10 लाख लगा रहा है, कोई 15 लाख लगा रहा है, कोई जितनी जितनी जिसकी तौफीक थी वो लगाता रहा। मगर क्या हुआ, वो पैनिक हो गए। पैनिक क्यों हो गए, उनको बर्ड्स के पास उनका एक्सपीरियंस नहीं था, बर्ड्स उनके मरे, बर्ड्स के रेट्स गिर गए, तो उनको एकदम पता ही नहीं था मार्केट क्या होती है, किस टाइम पे कौन सा बर्ड लगाना चाहिए, किस टाइम पे कौन सा बर्ड लगाना चाहिए, किस टाइम बर्ड को लेना चाहिए, किस टाइम बर्ड को सेल करना चाहिए, कुछ नॉलेज था ही नहीं। बस वीडियोस देखी और बस सोचा कि भाई हमने इधर से लगाएंगे और इधर कमा लेंगे, क्योंकि तो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, शौक के लिए नहीं आए थे। जो जिस काम में शौक ना हो ना वो आप बंदा उसमें कामयाब भी नहीं हो सकता। सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आओगे तो आप कभी भी बर्ड्स की फील्ड में कामयाब नहीं होगे। बर्ड्स की फील्ड में आने के लिए आपका शौक होना जरूरी है। आप शौकीन हो गए तभी आप मार्केट में रह सकोगे, स्टेबल सकोगे, अप एंड डाउन आप देख सकोगे और आप जो अपना शौक ख़त्म नहीं करोगे आप चलता रहे, क्योंकि कहते हैं शौक का कोई मूल्य नहीं है। अगर एक बर्ड फॉर एग्जांपल आप शौक के लिए लगा रहे हो, आपका बर्ड 1 लाख रुपए का आपने खरीदा, वो 10,000 का भी हो जाए या 5,000 का भी हो जाए या 1,000 का भी हो जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने बिजनेस नहीं करना, आपने उस बर्ड से शौक करना है।
तो जो शौक के लिए आते हैं उसका उसको वो डिमोटिवेट नहीं होता कि एक बर्ड की प्राइस अप होगी, एक बर्ड की प्राइस डाउन होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं उनको फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया इसलिए होता है कि 10 लाख लगाऊंगा तो 20 लाख इसमें से मैं कमा लूंगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं फिर बर्ड की प्राइसेस गिरती हैं या बर्ड मरता है, जो चीज़ें होती हैं, तो वो डिमोटिवेट होकर शौक खत्म कर देता है। सबसे पहले आपने अगर बर्ड्स की फील्ड में आना है, आपके पास आपको शौक हो, इंटरेस्ट हो, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट बिजनेस, आप सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो, तो आप कोई और बिजनेस कर लो, किसी और चीज़ों का बिजनेस कर लो, बर्ड्स के बिजनेस नहीं करो, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक की गारंटी नहीं है, ना इंसान की गारंटी है ना बर्ड्स की गारंटी है। यहाँ से मेरे से कोई बर्ड लेके बाहर जाएगा, मेरे घर तक गारंटी है भाई, सही है, हेल्दी है, इससे बाहर निकलेगा, रास्ते में मर जाए, कोई गारंटी नहीं। क्यों, इंसान की जिंदगी गारंटी नहीं है, बर्ड्स की भी गारंटी नहीं होती, ठीक है। अब मगर लोग क्या होते हैं, बर्ड लेके चले जाते हैं, फिर वो समझते हैं यार इसने बर्ड दिया, अब ये ठेकेदार है, जब तक ये ब्रीड नहीं करेगा तब तक इसको हमने छोड़ना नहीं, इसका जीना आराम कर देना है। लोग मैसेज कर करके उसकी जो है ना बंदे की माँ बहन एक कर देते हैं, इतने मैसेज, ये खा नहीं रहा, ये दाना नहीं खा रहा, ये दाना क्यों नहीं खा रहा, ये सॉफ्ट फूड क्यों नहीं खा रहा, ये आज सुबह से शाम तक इसने दाना नहीं खाया, ये उस कोने में बैठा हुआ, माँ उस कोने में बैठी हुई है, ऐसे मैसेज आते हैं। क्यों, आपके पास बंदे के पास नॉलेज ही नहीं होता। फिर वो शुरू होता है इस तरह बच्चों वाली हरकतें करना, बच्चों वाले क्वेश्चंस करना, तो बड़ा ब्रीडर जो है वो फिर उसके बाद इतना टाइम तो नहीं है कि भाई वो पूछेगा भाई एक बर्ड इधर उदास होकर क्यों बैठा हुआ है, एक बर्ड इधर उदास होकर क्यों बैठा हुआ है। तो भाई ये चीज़ें आपको खुद सीखनी है, यूट्यूब भड़ा पर है, वीडियोज़ से आपने सीखना। सीखना कैसे है भाई, सबसे पहले भाई जैसे मैंने बताया डॉक्टर बनने के लिए डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, सबसे पहले अगर आप बर्ड्स की फील्ड में आना चाहिए तो सबसे पहले आपको शौक होना चाहिए। सेकेंड, कोई भी बर्ड ले रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बजरी रख रहे हो भाई, पता होना चाहिए बजरी किस एज में ब्रीड करता है, बजरी में मेल फीमेल कैसे पता चलेगा, मेल की क्या निशानी है, फीमेल की कैसे निशानी है, हेल्दी बर्ड की कैसे निशानी है। अच्छा जी, दोनों ये चीज़ें पता चल गई, आपको पता चल गया भाई बर्ड का मेल क्या पता चलता है, मेल नाक नोज़ जो है नीले रंग का होगा तो वो मेल होगा, वाइट नोज़ होगा तो वो फीमेल होगी, आपको जेंडर का पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पता चल गया भाई बॉन्डिंग कैसे, इनके खाते क्या हैं, ये पीते क्या हैं, इनका रहने का स्टाइल क्या है, इनके लिए कौन सा केज बेस्ट है, किस साइज के केज में इनको रख सकते हैं, इनको ब्रीडिंग सीजन कब होता है, ब्रीडिंग सीजन ऑफ कब होता है, अगर इनका आपने इनको डाइट क्या देनी है, आपने इनको सॉफ्ट फूड क्या देना है, आपने इनको सप्लीमेंट्स क्या देने हैं, इनकी केयर कैसे करनी है, ये चीज़ें सीखें। यूट्यूब भरा पड़ा है इल्म हासिल करने के लिए, पहले टाइम होता था मुश्किल होता, आजकल पढ़ा लिखा या जाहिल, ठीक है ना, पढ़े लिखे को इंग्लिश समझ आती है, मगर ज़रूरी नहीं है, जाहिलों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं की हुई, जिनके पास नॉलेज नहीं है, यूट्यूब पे क्या होता है, वीडियोस लगाएं, आप कोई भी वॉइस करें, वॉइस में जी भाई बर्ड की पहचान, बजरी की पहचान, मेल फीमेल की, आपको वीडियोस खुल के आ जाएंगे। अच्छा जी सॉफ्ट फूड कौन सा अच्छा डालना है, बर्ड्स को वीडियोस खुल के आ जाएंगे। मेरी वीडियोस के अलावा इतनी वीडियोस आएंगी कि आप लोग सीख सकते हैं, आपको किसी उस्ताद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद सीख सकते हो। जो बंदा नया है, वीडियोस जहाँ पे आप लोग देख के बर्ड्स की फील्ड में आते हैं, वैसे उनके बारे में सर्च करो कि भाई अगर आपने बजरी रखना चाह रहे हो तो बजरी की बेसिक्स सीखो कि बजरी होता क्या है। बर्ड लेने से पहले, बर्ड लेने के बाद नहीं, बर्ड लेने से पहले आपको पता हो कि मेल की क्या निशानी है, फीमेल की क्या निशानी है, ठीक है। हेल्दी बर्ड की क्या निशानी है, हेल्दी बर्ड कैसा होता है, उसमें अब बंदा होता है यार ये तो उसने बीमार बर्ड मुझे दे दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, ये मसला था। सीखो कि भाई बीमार बर्ड कैसा होता है, हेल्दी बर्ड कैसा होता है, उसकी क्या निशानी है, उसके क्या सिम्टम्स है उसके अंदर। अच्छा जी किस एज में बर्ड बजरी ब्रीड करता है, अच्छा जी दाना क्या खाता है, पानी कैसे उनको देना है, उनके नेस्टिंग अगर बॉक्स है या मटकी लगानी है कौन से साइज़ की लगानी है, अच्छा जी किस मौसम में लगानी है, किस मौसम में बर्ड ब्रीड करते हैं, अच्छा ब्रीड करने के लिए उनको पहले पेयर कैसे बनाना है उनका, ये सारी चीज़ें सीखें, सीखें फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करें, पहले सीखें, बिना सीखे करेंगे नुकसान उड़ाएंगे। और सबसे लो लेवल से स्टार्ट हो, एकदम ये ना देखे भाई इतनी मोटेशन है, ये वाली मोटेशन लगा लो, ये वाली मोटेशन लगा लो, बर्ड्स रखने का पता नहीं होता। अभी भी थोड़ी देर पहले भाई के मैसेजेस आए, एक बंदे ने बेचारे ने लगा लिए जी बर्ड्स जी ओगोरोमोज वगैरह ले लिए, फैलो ओगोरोमो ऐसे ओगोरोमो, अगले ने उसको सारा कचरा पेल दिया, ना उसके पेटल्स थे ना कुछ थे, वो बर्ड की कॉस्ट 2-2 हज़ार रुपये का बर्ड नहीं था, उन्होंने 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का अगले ने पेयर सेल किया, उसको नॉलेज ही नहीं था, उसने जाके भाई अगलों की बातों में आया और जाके ले आया, उसको पता ही नहीं कि बर्ड की क्वालिटी क्या होती है, बर्ड का स्टाइल क्या होता है, बर्ड पैटल क्वालिटी क्या होती है, स्क्रश क्वालिटी क्या होती है, उसका स्टांस क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है बर्ड्स के बारे में। फिर वो कह रहे हैं यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है। आप अगले को ब्लेम नहीं करो, आप खुद ब्लेम है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है पहले लर्न करो, सीखो बर्ड लेने से पहले, और सबसे चीप क्वालिटी के बर्ड्स ले लो, जैसे बजरी सबसे कम सस्ता है, फिंच सबसे सस्ती है, फिशर सबसे सस्ता है, इन बर्ड्स को लेके रखो, पहले नॉलेज लो, फिर जब खरीदने भी जा रहे हो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो किसी एक्सपर्ट को साथ लेके जाओ, यार ये मुझे सस्ता सा बर्ड ले दो, ये बर्ड फॉर एग्जांपल बजरी लेने जा रहे हो, किसी एक्सपर्ट को ले जाओ यार जिसको पता हो यार मेल फीमेल मिलता है, आपके साथ धोखा ना हो, हेल्दी बर्ड आपको मिले, किसी अच्छे ब्रीडर के पास चले जाओ, चलो किसी ब्रीडर के पास भी नहीं, नॉर्मल ब्रीडर के पास चले जाओ, मगर साथ किसी एक्सपर्ट को लेके जाओ, एक्सपर्ट को लेके जाओगे तो क्या होगा, वो आपको अच्छा हेल्दी बर्ड निकाल के दे देगा, उससे क्या होगा उसको लाके अपने घर में रखो, उस पर प्रैक्टिकल करो, सस्ते बर्ड लगाओ सबसे पहले। आप डायरेक्ट जाके छलांग मारते हो मोटेशंस के ऊपर कि यार मैं बस डायरेक्ट पैसे लगाऊं लाखों रुपए और मैं लाखों से करोड़ों बना लूं, ऐसे नहीं होता भाई।
शुरू में आपको हर बंदा ही जीरो से स्टार्ट लेता है, सस्ते बर्ड लगाओ, बजरी लगाओ, बजरी को ये ना देखो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बजरी लगाओ सीखने के लिए। अब आपने सीखने के लिए बजरी लगा ली, आपको पता चल गया बर्ड अच्छा ये नर होता है या मादी होता है, अच्छा ये बीमार हो जाए इसको ये मेडिसिन देनी है, ये हो जाए ये देना है, अच्छा अब ये देखो आप एक साल में उसको प्रैक्टिकल करो, आपके पास बर्ड ब्रीड कर रहा है, आपके पास बर्ड हैप्पी, आपको पता चल जाता है यार ये बर्ड बीमार हो रहा है उसको कौन सी गलती देनी, आपको पहचान होगी है। जब आप समझो हाँ यार मुझे पहचान होगी, अब उससे ऊपर चले जाओ। फॉर एग्जांपल बजरी लगाई, आपने कहा बजरी से आप बिजनेस नहीं करोगे, बजरी सबसे लो क्वालिटी का बर्ड है यार, उसकी प्राइस कितनी रहनी है उसको, आपको कहे भाई मैं बजरी लगा कर लाखों रुपये कमा लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। बजरी भाई उसकी वर्थ वही है 700-800 हज़ार, इससे ऊपर का तो नहीं हो सकता बजरी, इतने का ही है, इतने का ही रहना सारी ज़िंदगी, ठीक है इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। अब आप डायरेक्ट ऊपर आ जाओ, फॉर एग्जांपल आप आ जाओ, अभी आपने बजरी खत्म करी, अब आपने कहा बजरी के अलावा आप क्या होगोरोमो पे आ जाओ, होगोरोमो लगा लो, अब होगोरोमो में देखो यार क्वालिटी कैसी होती है, पेटल क्वालिटी क्या होती है, वो ला के लगाओ, दो पैसे उसमें से आपको बचने शुरू हो जाएंगे, आपका खुद ब खुद बिजनेस बन जाएगा। पहले शौक करो, शौक करोगे जब उनकी ब्रीड आएगी, उनकी ब्रीड आएगी डेफिनेटली पता, आप उनको जब बेचोगे आपका खर्चा भी निकलेगा आपका शौक भी बढ़ेगा। उन पैसों को जो आपके पास आते हैं उनसे आप कोई फॉर एग्जांपल आप लबड़ खरीद लिया, आपने एक फिशर लबड़ की तरफ मूव ऑन हो गए, यहाँ पे बजरी भी लगा लिया, यहाँ पे लबड़ लगा लिया, लबड़ के बारे में सीखा भाई नर मादी की पहचान क्या होती है, फिर किसी अच्छे बंदे से आगे आपने पट्ठे ले लिए, भड़े बर्ड ले लिए, जो भी ले लिया किसी एतमादी बंदे के साथ ले गए, बर्ड खरीद के ले गए, उस पर फिर प्रैक्टिकल किया एक साल कि हाँ भाई ये लबड़ अब ब्रीड कर रहा है, अच्छा जी ब्रीड कर रहा है, फिर उसके बाद लबड़ से अब आपने फॉर एग्जाम्पल फिशर रखा हो लुटीनो रख लो, फिर अगले साल लुटीनो से आप देखो लुटीनो के बच्चे अच्छे निकले उनको बेच के आप जो है अल्बिनो ब्लैक आई ले लो, फिर ऐसे ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते थे। इसी तरह फिंच लगा लिया आपने, थोड़ी सी एक दो पेयर फिंच लगा लिया, अब उनको फिंच से एक्सपेरिमेंट करो, खाती क्या है, पीती क्या है, जेंडर्स क्या है, कितना ब्रीड करती है, उसको सॉफ्ट फूड क्या खिलाना है, फिर वो लेके थोड़ी सी आप ऊपर की चीज़ें ले लो। आपने इसी तरह जावा लेके लगा लिया, आपने फोन जावा ले ली, ग्रे जावा से स्टार्ट करो, ग्रे जावा सस्ती होती है, फिर एल्बिन वाइट जावा ले लो, फिर फोन जावा आ गई, इस तरह आपकी जो है ना ये चलती रहेंगी, सिल्वर जावा होगी, तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे डब ले ली, एक आध पेयर डब लेके प्रैक्टिकल कर लिया, कॉकटेल ले लिया, कॉकटेल लेके प्रैक्टिकल, कोई भी बर्ड आपको जो पसंद है आप सबसे सस्ता बर्ड खरीदो मार्केट में, उससे पहले नॉलेज लेना, नॉलेज लेने के बाद सारे सबसे किसी अच्छे बंदे को कोई एक्सपीरियंस होल्डर को अपने साथ लेके जाओ, बर्ड खरीदो, प्रैक्टिकल करो, और आप पहले प्रॉफिट को छोड़ दोगे यार, इतने का दाना खा लिया, इतने का सॉफ्ट फूड खा लिया, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ शौक करो, शौक करोगे अल्लाह आपको देखना आपके कारो आपके शौक को बढ़ा के ऑटोमेटिकली आपका वो कारोबार भी बन जाएगा, ठीक है। मगर क्या पहले शौक करना फ़र्ज़ है, आप शौक करोगे क्योंकि शौक होगा तो आप डिमोटिवेट नहीं होगे, उसकी प्राइस गिर जाएगी बर्ड की, बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा, आप डिमोटिवेट नहीं होगे, आप चलो खैर चेंज करके दूसरा पेयर ले आओ, एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के बिना लॉस के कोई भी नहीं होता। हम 4-5 साल हो गए हमारे पास अभी भी बर्ड मर जाते हैं, अभी भी बर्ड कुछ ब्रीड नहीं करते, ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। बड़े से बड़ा ब्रीडर हो उसके पास भी बर्ड मरता है, बड़े से बड़ा ब्रीडर हो उसके पास भी बीमारी आती है, हर बंदे के पास ये चीज़ें आती हैं, और हर बंदा सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, कोई भी बड़ा प्रोफेशनल हो जाए कंप्लीट कोई भी नहीं होता, सारी ज़िंदगी बंदा सीखता ही रहता है, ठीक है। अब लोग मुझे कुछ लोग कहते हैं भाई थोड़े हज़ार का एक्सपीरियंस होता है वो उस्ताद बन के बैठ जाते हैं, जो बंदा उस्ताद हो गया वो समझो उसका लर्निंग सेशन खत्म हो गया, वो उस्ताद बन गया, जहाँ तक उसका लेवल था वो वहीं देगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। जो स्टूडेंट रहता है वो सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, और सीखता रहता है उसका नॉलेज बढ़ता रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट क्या है सीखने का, जो इंसान कहता है मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं सीखना है मुझे, सीखना है मुझे, सीखना है, उसको नॉलेज मिलता रहेगा वो बढ़ता रहेगा। खैर वीडियो को दूसरी तरफ लेके जाने के बजाय स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पे आऊँगा। कुछ लोगों थे अभी पोस्ट भी लगी भाई हमारी फेसबुक पे कि यार इस बंदे ने जी एक साल पहले एक भाई थे जी भाई वो हमसे बर्ड लेके गए बजरी, वो कह रहे थे भाई मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास बजरी का, तो भाई आए एक एक बर्ड उन्होंने चेक किया मेल फीमेल चेक करके जी वो पेयर्स लेके चले गए, उनके भाई जाके उन्होंने इतने से खुड्डे के अंदर 2 फुट के अंदर उन्होंने पंजरे में डाल दिए, उनके पास कॉलोनी रेडी नहीं हुई थी उसमें उन्होंने डाले, ना उन्होंने वैक्सीनेशन करी उनकी ना कुछ किया, वो बर्ड डालते गए बर्ड बीमार होते 1.5 महीने के बाद उनके बर्ड मरना शुरू हो गया। अब उन्होंने कहा जी भाई अगले ने मुझे ख़राब बर्ड दे दिए। देखो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी ब्रीडर हो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप जब आओगे आप बर्ड देख के लेके जाओगे हेल्दी है एक्टिव है वहीं पर उसे घर में आप चेक कर सकते हो, उसके बाद निकलेगा तो किसी कोई ब्रीडर गारंटी नहीं देगा, ना ही मैं दूंगा ना ही कोई और बंदा गारंटी, ना उसकी ब्रीड की गारंटी होगी ना उसके भाई आपका वो चलेगा नहीं चलेगा, आपके पास ब्रीड करता है नहीं करता है, अगला घर से निकलते साथ ही मर जाता है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती बर्ड की, ठीक है। बर्ड की ये गारंटी आप जब घर देखने जा रहे हैं उससे घर जाके बर्ड देखोगे अपनी एक्सपीरियंस से अपनी अकल से अपने शौर से आपने बर्ड को चेक करना है, बर्ड हेल्दी लग रहा है बर्ड ठीक है, ये चीज़ की गारंटी होती है, इससे ज़्यादा बाहर निकलोगे कोई गारंटी नहीं है। जो बर्ड लेके जा रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी पे होता है, किसी और की जिम्मेदारी पे नहीं होता। कल को आप अपनी कोताहियों को अगलों पर न डालें। अब अगले पोस्ट डाल रहे हैं भाई अगले ने फ्रॉडी बंदा है ये बंदा है, लोग ऐसे डालते रहते हैं पोस्ट के, और वही वाले मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सही काम पे चल रहे हो ना, वो कहते हैं जब तक आपके खिलाफ 10 बंदे बोलने वाले नहीं है तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे।
अगर आपके पीछे 10-15-20 बंदे बोलने वाले हैं तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, लोग आपकी टांगें खींच रहे हैं। क्योंकि जब तक आपकी टांगें नहीं खींचेंगे इसका मतलब ये है कि आप लोग सही रास्ते पे नहीं हो। जब आपकी टांगें खींचना शुरू हो जाएं तो समझ लोगे हाँ भाई आप सही रास्ते पे जा रहे हो, उस पर फोकस करो। तो हर जगह भाई 100 अच्छे अच्छाई करने वाले होते हैं, 100 बुराई करने वाले भी होते हैं। तो लोग अपनी जो गलतियों को ना ब्लेम अगले पर डालते हैं। एक साल पहले अगर मैंने बढ़ लिए थे, आज उनको याद आता है, हर 6 महीने बाद याद आता है यार ये फ्रॉडी है बंदा, इससे मैंने बढ़ लिए खराब हुए। उस बंदे ने जिससे बढ़ लिए हैं, ठीक है, जेडी जैवरी के नाम से, मैं ये नाम भी ले लेता हूँ भाई, जेडी जैवरी के नाम से बंदा है भाई। पहले तो आते हैं मिनते करते हैं, अपने बाप को भी लेके आते हैं साथ, वो लाके स्टाम्प भी लिखवाते हैं भाई ये देखो साइन कर लो इसके ऊपर कि आपने ये बर्ड लेके दिए। हमने उनकी वीडियो भी बनाई है, ये देखो भाई जब वो लेके जा रहे थे बर्ड उस टाइम वो कह रहे हैं बिल्कुल हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, बड़े अच्छे बर्ड हैं। वो 1.5 महीने बाद जाके बर्ड उसके पास जाके मर गए उनकी अपनी कोताहियों की वजह से। तो वो ब्लेम आ रहा है जी हमने उनको ख़राब बर्ड दे दिया, हमने फॉल्टी बर्ड दे दी। तो मैं तो यही बात कहूँगा भाई, मेरे से चाहे अब भी कोई लेने आता है कोई नहीं, देखो रोज़ी अल्लाह ने देनी है, किसी के कुछ कहने से ये व तू इज्जु मंतशा व तू जिल्लु मंतशा, जिल्लत देने वाला इज्जत देने वाला अल्लाह की ज़ात है। सारी दुनिया मेरे खिलाफ़ हो जाए अल्लाह ने अगर इज्जत देनी हुई मुझे दे देगा, और अगर सारी दुनिया मेरी सारी डोर अल्लाह ने मुझे जिल्लत देनी हुई तो मुझे जिल्लत मिलेगी, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने जितनी स्ट्रगल करके इस लेवल पर खड़ा हुआ हूँ मुझे पता है मैंने कैसे मेहनत कर रहा हूँ और कैसे अपना घर का सर्कल चला रहा हूँ और कैसे सब कुछ कर रहा हूँ। अल्लाह ने थोड़ी दिनों में इज्जत दे दी है, आप लोगों के दिलों में इज्जत है मेरे लिए, आप लोग मोहब्बत करते हो, आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं इस मकाम पे खड़ा हूँ, अपनी माँ की दुआओं की वजह से इस मकाम पे खड़ा हूँ। तो लोग इसी से जलते हैं कि लोग इतने इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं उनको मिल कुछ नहीं था। तो अगेन वीडियो बनाने का मेन जो मकसद है कि लोग मुझे अक्सर बोलते हैं कि आप वीडियो बनाते हैं कि भाई लोगों को बताते नहीं है कि भाई ये बीमारियाँ, बर्ड मरता भी है भाई, लाइव स्टॉक है, बर्ड मर भी सकता है, बर्ड में बीमारी भी आती है, बर्ड में अनफर्टिलिटी भी आती है, बर्ड जोड़ा भी नहीं लगाता, बर्ड नई जगह पर जाकर स्ट्रेस में भी आ जाता है, ब्रीड भी नहीं करता। तो बर्ड की साइको को समझने की बात होती है भाई, ज़रूरी नहीं है। मेरे पास आउटडोर में बर्ड पड़े हुए थे, मेरे पास आउटडोर में वो ब्रीड कर रहे थे, इंडोर आया वो एक साल हो गया उन्होंने ब्रीड नहीं करी, इसका मतलब ये तो नहीं है वो फॉल्टी बर्ड है या वो फर्टाइल नहीं कर रहे या वो नॉन ब्रीडर है। उनको निकाल के फिर दोबारा मैंने अपने दोस्त को दिया, वो आउटडोर चले गए, धूप उनको मिली, उन्होंने ब्रीड कर दी। कुछ बर्ड होते हैं इंडोर सही चलते हैं, कुछ बर्ड होते हैं आउटडोर सही चलते हैं। ठीक है, बर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बर्ड आपका मतलब कि हेल्दी और एक्टिव है और वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहा है आपकी जगह पे, वो अपने आप को सेटिस्फाई फील करेगा, वो ब्रीड कर देगा। ठीक है, अब लोगों को अक्सर कहते हैं कि यार ये बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा। देखो मैं कहता हूँ अगर मैं अंडों बच्चों को साथ भी आपको पेड़ उठा के दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बच्चे निकले हुए थे मैंने आपको बच्चों से पेड़ दे दिया, इसका मतलब तो यही है वो ब्रीडर पेयर है। अगर वो आपके पास जाके ब्रीड नहीं करता इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नॉन ब्रीडर था, वो फॉल्टी बर्ड था, इसका मतलब आपके पास जाके बर्ड एडजस्ट नहीं हो रहा, या आपने उनको सही माहौल नहीं दिया, या आपने उसको सही डाइट नहीं दी, जो आपके पास फर्स्ट मिनट में बर्ड फिट नहीं हुआ और वो ब्रीड नहीं कर रहा। आपको आप खुद ही अपने आँखों से अपने हाथों से देख के अंडे बच्चों के साथ पेयर लेके गए हो तो इसका मतलब क्या था, वो ब्रीडर पेयर था। अगर वो आपके पास जाके नहीं चल रहा था इसका मतलब आपके पास मिस्टेक है, आपके माहौल में कोई प्रॉब्लम है, बर्ड आपके पास स्ट्रेस में आया हुआ है, आपके बर्ड रिलैक्स नहीं है तभी ब्रीड नहीं कर रहा। तो भाई ब्रीडर ब्रीड लेता है, बर्ड ब्रीड नहीं करता। तो आपको वो ब्रीडर खुद बनना है। वो कैसे बनना है, एक्सपेरिमेंट कर करके बनना है। बर्ड्स के पास बैठे हैं, बर्ड्स को मोनेटाइज करें, देखें बर्ड्स को बैठ के बर्ड्स क्या चाह रहा है, बर्ड की क्या नेचर है, बर्ड यहाँ पे खुश है। किस जगह पे क्या होता है, कुछ बर्ड होते हैं मटकी में ब्रीड कर रहे होते हैं वो बॉक्स में ब्रीड नहीं करते, कुछ होते हैं बॉक्स में ब्रीड कर रहे होते हैं मटकी में ब्रीड नहीं करते, कुछ बर्ड होते हैं ऊपर वाली जगह उनको पसंद होते हैं, हाइट वाला पोर्शन उनको अच्छा लगता है, नीचे वाली जगह पर ब्रीड नहीं कर रहे होते, कुछ होता है नीचे वाली जगह पर पसंद नहीं होती उनको, हाइट के पोर्शन पसंद होता है उनको, जगह चेंज करने से बर्ड जो है ब्रीड पर आ जाता है, मटकी चेंज करने से बर्ड ब्रीड पर आ जाता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये वक्त के साथ बंदा सीखता है प्रैक्टिकल कर करके। तो भाई बिना नॉलेज के कोई भी काम करोगे, चाहे वो बर्ड्स का हो चाहे वो कोई भी हो, आप नुकसान उठाओगे। ठीक है, और बर्ड्स का फील लाइफ स्टॉक है, ये तो बहुत डेंजरस काम है, सीधी सी बात है। इसमें आप अगर आपके पास हिम्मत है और अगर आपका शौक है तो आप इस फील्ड में आओ, अगर आपका शौक नहीं है तो आप इसमें नुकसान उठाओगे। क्योंकि मैंने भी लाखों रुपए का नुकसान उठाया और सीख रहा हूँ, मेरा कारोबार भी है, मैं फुल टाइम यही काम कर रहा हूँ, इसी से अर्न करता हूँ, इसी से खाता हूँ, इतनी से अपना घर चलाता हूँ। ठीक है, तो मेरा शौक भी है और मेरा बिजनेस भी है, खुल के बता रहा हूँ। मेरा शौक तो क्या है, मेरा बर्ड से शौक था, उसको मैंने अपने पैशन को मैंने प्रोफेशन बना लिया, अल्लाह ने मुझे अता कर दिया। आप लोगों की दुआएं, आप लोग इज्जत करते हो, आप लोग मोहब्बत करते हो, मगर मैंने अभी भी नुकसान मेरा होता है, अभी भी मेरा बर्ड मरता है, अभी भी मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको मैं फेस करता हूँ। कभी मेरा बर्ड भी नहीं फेल होता, सीज़न ऑन होता है, सीज़न ऑफ होता है भाई, हर टाइम हर साल सीज़न जब ऑफ होता है बर्ड्स की प्राइसेस डाउन हो जाती हैं, बर्ड्स बिकना कम हो जाता है। जब छोटी ईद आ गई, बड़ी ईद आ गई, लोग ईद में अपने बच्चों को कपड़े लेके देंगे, अपने घर का राशन चला लेके आएंगे, या कुर्बानी करेंगे, या तोते ज़बह करेंगे जाके, नहीं कर सकते ना, डेफिनेटली बात है, लॉजिकल बात है। और गर्मी में बर्ड मरता भी है, गर्मी में लोगों पर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ना AC लगे होते हैं ना कूलर लगे होते हैं, तो लोग वेट करते हैं बर्ड्स के सीज़न ऑन होने का। जब सीज़न ऑन होता है टेम्परेचर डाउन हो जाता है और लोग फिर तब बाइंग शुरू कर दे, तब तक ईद भी गुजर चुकी होती है और सीज़न भी ऑन हो चुका होता है और लोगों को पता है बर्ड लेना है और बर्ड ब्रीड पर लगाना है, उनको होल्ड नहीं करना, 4-5 महीने जेब से दाना नहीं खिलाना। तो ये हर साल ये चीज़ें होती हैं, जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो घबराते नहीं है, वो उनको पता होता है किस टाइम पर बर्ड खरीदना है, किस टाइम पर बर्ड बेचना है,
सब कुछ पता होता है। क्या है, अच्छा ब्रीडर वही है जो टाइम के ऊपर काम करे, मतलब उनको पता होता है इस टाइम पे ये बर्ड लगाना बेहतर है, इस टाइम पे ये बर्ड खरीदना बेहतर है, इस टाइम पर इस बर्ड को सेल करना बेहतर है। वो मार्केट को जज कर चुके होते हैं एक्सपीरियंस से कि यार इस टाइम पे ये मार्केट क्रैश होने वाली है, इस टाइम पे ये बर्ड उठने वाला है, डव लव बर्ड गिर रहा है तो डव उठने वाली है, डव गिर रही है तो एल्बिनो उठने वाला है, एल्बिनो गिर रहा है तो एग्जीबिशन उठने वाला है, एग्जीबिशन गिर रहा है तो कॉकेल उठने वाला है। उनको पता होता है, वो मार्केट को जज कर लेते हैं, उस हिसाब से वो बर्ड अपना जो है ना वो अपने पास सेटअप पे बर्ड्स लगाते हैं और बर्ड ब्रीड कराते हैं और बर्ड सेल करते हैं। ये एक्सपीरियंस वक्त के साथ साथ आता है। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, ना मैं सीख के आया ना आप लोग सीख के आते हो। सीखना आपको खुद ही प्रैक्टिकल करके, जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। इसलिए प्रैक्टिकल्स करो, बिना सीखे फील्ड में आओगे तो नुकसान उठाओगे। इतनी आसान फील्ड नहीं है। वही लोग जो मुझे कहते थे अपनी वीडियोज़ में कि यार आप लोग वीडियो नहीं बताते, तो मैं हज़ार अब मैं दोबारा जो लोग मेरी वीडियो देख लें देख लो भाई, मैं बता रहा हूँ कि भाई बर्ड्स की फील्ड इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। अगर आप मेरी फिजिबिलिटी देखते हो तो उसका मतलब है वो आपको एक्सपीरियंस जब तक होगा नहीं तब तक आप उस लेवल पर जाते। फॉर एग्जांपल मैंने लगाई ऑपलाइंस की लगाई हुई है, एल्बिनो रेड आइज़ की लगाई हुई है, पेल फेलोज की बनाई हुई है, किसी भी बर्ड की बनाई हुई है। अगर मैंने म्यूटेशन की फिजिबिलिटी बनाई है उसका मतलब ये है ये लोग वो लगाएं जो कि पहले 2-3 साल सीख चुके हैं, उनको पता है बर्ड ब्रीड कैसे करवाना है, बर्ड रखना कैसे है, बर्ड का माहौल कैसे देना है, बर्ड्स को सॉफ्ट फूड क्या देना है, बर्ड्स को सप्लीमेंट्स कैसे देने, बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कैसे करनी है, उनको बर्ड्स के बारे में नॉलेज है। अब वो एज अ बिजनेस बर्ड लगाना चाहते हैं तो ये फिजिबिलिटीज़ हैं जिनको वो देखें और देखने के बाद वो जो है अपने पास वो लगा के उससे फ़ायदा उठा सके। अब रेट्स की बात आती है, रेट्स अप एंड डाउन होता रहता है हर साल। अब मेरी कुछ लोग वीडियोस देख रहे होते हैं वो 1.5 साल पुरानी होती हैं, उसमें रेट्स कुछ और थे उस टाइम मार्केट में, अब मार्केट के रेट्स कुछ और हैं, वो कह रहे होते हैं भाई इतने का तो नहीं मिल रहा। भाई वो आप वीडियो के डेट भी देखा करो, किस डेट पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो डेट देखो उस टाइम पर उनकी वैल्यू उतनी थी। फिजिबिलिटी एक आइडिया है कि हम लोग आपको आइडिया दे रहा होता हूँ कि यार इतने पैसे लगा के आप इतने कमा सकते हो। अगर बर्ड ब्रीड करेगा, अगर आपको इतने क्लचेस आ सकती हैं तो इतना कमा सकते हो, अगर एक क्लच आया तो इतने कमा सकते हो, दो क्लच आया तो इतने कमा सकते हो, तीन क्लच आया तो इतने कमा सकते हो। एक टारगेट सेट करना होता है, विदाउट टारगेट सेट करके आप लोग कामयाब नहीं होते। देखो अच्छा ब्रीडर अपना टारगेट सेट करता है, यार मैंने इस साल जो है इतने बर्ड्स में से इतने बच्चे प्रोड्यूस करने हैं, इतनी उसके लिए वो जद्दोजहद करता है, उतनी मेहनत करता है, यार ये मैंने इतने पेड़ लगाए हैं, इसमें से मैंने फॉर एग्जांपल 10 पेड़ लगाए हैं तो मैंने इसमें से जो है ना 30 बच्चे प्रोड्यूस करने पूरे साल में, इतना मैंने बजट करना है। उसके लिए फिर वो मेहनत करता है। कोई भी गोल अचीव करने के लिए गोल सेट करोगे तो अचीव करोगे ना, विदाउट गोल आप सेट किए तो कैसे अचीव कर सकते हो। तो फिजिबिलिटी क्या एक आइडिया है, उसको आप देखो। वो मेरे मुंह से लिखी हुई पत्थर पे लगीर तो है नहीं, मैं भी लगाता हूँ, मैं भी फिजिबिलिटी बनाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, तो प्रैक्टिकल जरूरी तो नहीं है। बर्ड अनफर्टाइल भी कर देता है, बर्ड पेयर ब्रीड नहीं कर रहा होता, सारे पेयर ब्रीड नहीं करते, कुछ बर्ड लेट चलते हैं, कुछ पेयर जल्दी चल जाते हैं, कुछ पेयर अनफर्टाइल कर देते हैं, कुछ बच्चे निकाल के मार देते हैं, तो ये चीज़ें सारी चलती रहती हैं। तो वो बात है कि वो आपको डिपेंड करता है कि भाई कितने क्लचेस आपके पास आए, आपकी कितनी अच्छी लक चली, उस हिसाब से आपके पास जो है रिजल्ट्स आएंगे। एक क्लच आ गया, 2 क्लच आ गया, 3 क्लच आ गए, आप उसको एस्टिमेट करो, यार इतना मैंने एक गोल सेट किया था यार हमें 4 क्लच लूँगा, अगर उसमें से 2 क्लच भी आपके पास सही आ गए तो एक बात है आपको बेनिफिट या लॉस तो नहीं है। तो ये बात होती है, फिजिबिलिटीज़ उन लोगों के लिए होती है जिनका जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। नए बंदों के लिए फिजिबिलिटीज़ नहीं होती। नए बंदों के लिए मैं वही बात प्रेफर करता हूँ, बजरी रख लो, फिंच रख लो, जावा रख लो, डब रख लो, ठीक है, इसके बाद लव बर्ड रख लो, इनसे सीखो। 1.5 साल कम से कम सीखने के बाद जब आप समझ लोगे हाँ भाई मैं इस काबिल होगा, फिर स्टेप बाय स्टेप, फिर भी डायरेक्ट छलांग नहीं लगाए, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को ऊपर लेके जाओ। जब स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाओगे तो आप लोग इंशाल्लाह मोटिवेट भी होगे, आप लोगों को हौसला भी मिलेगा, आप लोग डीमोटिवेट नहीं होगे। शौक होना ज़रूरी है, विदाउट शौक विदाउट हॉबी आप लोग कभी भी इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपका शौक नहीं है, आप लोगों को जेब से दाना खिलाना पड़ेगा, आप लोगों को वो बुरा लगेगा, आप लोगों को यार इतने का तो खा नहीं रहे जितना ये प्रॉफिट नहीं। डेफिनेटली बात, जब आप सीख रहे होंगे आपके बर्ड्स चीप प्राइस के होंगे, वो आपको उतने पैसे नहीं दे पाएंगे, वो उतनी अच्छी ब्रीड नहीं दे पाएंगे, शुरू शुरू में आपको लॉस होगा, मगर क्या है आप लॉस नहीं है क्योंकि आप हॉबी कर रहे हो। हॉबी में तो लॉस और प्रॉफिट की बात ही नहीं होती, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस की बात होती है। तो इसलिए कहते हैं पहले हॉबी करो, हॉबी जब करोगे, जब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी हॉबी जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगी और आप अच्छे पैसे कमा सकोगे। और अपनी गलतियों का जिम्मेदार किसी और को मत ठहराओ, चाहे वो कितना बड़ा भी ब्रीडर क्यों ना, कोई भी चीज़ें क्यों ना। हाँ, जो नाजायज़ होता है वो नाजायज़ होता है, नाजायज़ कुछ लोग ब्रीडर होते हैं वो नाजायज़ रेट खरीद ले रहे होते हैं, मगर उसको भी आपको शऊर है क्योंकि वो भी हमारी गलती है। हम एक नॉर्मल ब्रीडर का, अगर हमें एग्जाम्पल नॉर्मल ब्रीडर से हमें एक बर्ड जो है 10,000 का मिल रहा है, मगर हम वो 10,000 को उसको नहीं देंगे, हम एक बड़े ब्रीडर से जाके 1,00,000 रुपये का खरीद के ले आएंगे, वो हमें पता भी होगा उसका बच्चा हम जो है 10,000 का भी नहीं बेच पाएंगे। ये गलती हमारी है, उसने ना हमें बड़े ब्रीडर ने हमें इनविटेशन दिया था और छोटे ब्रीडर के पास हम खुद नहीं जा रहे थे, ये हमारी अपनी मिस्टेक है, ठीक है। किसी बड़े ब्रीडर से बर्ड लेने से आप बड़े ब्रीडर नहीं बन जाओगे, आपने अपना नाम खुद क्रिएट करना है, अपनी बर्ड को क्वालिटी आपने खुद शो करनी है, अच्छी क्वालिटी के बर्ड प्रोड्यूस करोगे, अपने बर्ड को शो करोगे,
तो आपका नाम मार्केट में बन जाएगा अपने करेक्टर से, अपने अल्फाज से, अपने अखलाक से, अपने बर्ड से आप अपना नाम बनाओगे। किसी बड़े टाइकून से बर्ड खरीदने से आप टाइकून नहीं बन जाओगे, ना ही किसी बड़े लाख रुपए का बर्ड खरीदोगे तो उसका बच्चा आपसे लाख रुपए का बिकेगा, लाख का क्या 50,000 का भी नहीं बिकेगा उससे, ठीक है। तो आपने जो बनना है आपने खुद बनना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करें, जो करना है सीखना है आपने खुद सीखना है, खुद सीखो, अपने बर्ड को क्वालिटी बनाओ, अपने बर्ड्स को अपना नाम बनाओ मार्केट में, आपने खुद बनाना है। आजकल सोशल मीडिया इतना अच्छा है, वहाँ से सीखने का मौका मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप इतने बने हुए हैं, फेसबुक इतने ग्रुप इतने बने हैं, वहाँ पे आप बर्ड लोग सेल्स कर सकते हो, वहाँ से आप काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, वहाँ से आप उन लोगों से सीख सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छे ब्रीडर्स हैं जो आपके जवाब भी देते हैं, मगर ये नहीं कि अगला एक जवाब दे रहा तो आप उसको 24 घंटे से तंग करते रहो, ठीक है, उसका वेट करो। हर इंसान की लाइफ है, पर्सनल लाइफ होता है, वो बिजी भी होता है, आप उसका वेट करो, जब वो आपका रिस्पॉन्स देता है आप उसको रिस्पॉन्स करो, सीखो। और जब तक आप लोग जो है ना सीखने की नीयत नहीं करो, जिससे सीख रहे हो उसकी कदर नहीं करोगे। बड़े लोग हैं जिनको सिखाते हैं लोग, और लोग उन्हीं के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, ठीक है, जिनको उस्ताद बोलते हैं फिर कल को उसके खिलाफ खड़े होते हैं। तो याद रखना, जब तक अपने उस्ताद की कदर नहीं करोगे आप लोग को वो इलम कभी भी नफ़ा नहीं देगा, कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। अपने उस्तादों की कदर करो, दुनिया में कामयाब हो जाओगे। याद रखना, अपने माँ बाप की कदर करो और जिससे आपने सीखा है उसकी कदर करो, वो इलम आपको तभी नफ़ा देगा जब आप उसको सीखोगे और अपने उस्ताद की उसकी कदर करोगे। हाँ, जिस हम लोग क्या है, हम लोगों के वही बात है, फिर मैं बोलूँगा नस्ली और बदनस्ली की बात, जो लोग ऐसे ऐसे बदनस्ले भी हैं जिनको सिखाता है लोग एक एक लफ्ज़ पकड़ के, फिर वो कल को वही खिलाफ खड़े होते हैं आपके कंपटीशन में कि यार ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, ये मुझसे हसद करता है, ये मुझसे जलता है। जिन पत्थरों को तराशा हमने ज़बान में ली तो हम ही भी बरस पड़े, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही जो लोग होते हैं, सिर्फ अल्लाह उनको दे रहा होता है, ठीक है, मगर वो अपनी औकात दिखा देते हैं, हम लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग क्या हैं, ठीक है। वो लोग कभी ज़िंदगी में भी कामयाब नहीं होंगे, जलील और रसवा रहते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, बहुत मिक्सचर बोल देता हूँ यार, असल में थोड़ा जज्बाती हूँ, उस चीज़ को माइंड मत करना। तो अपनी दुआ में याद रखना, और उन लोगों के लिए वीडियो थी अगेन जो लोग कहते हैं यार आप बताते नहीं हो, बिज़नेस शुरू करने से पहले डेफिनेटली ये बात है सीखो। मैं डाल रहा हूँ ऊपर, मतलब कि बेसिक्स बर्ड्स के ऊपर, ये मेरी प्लेलिस्ट है, मैं शुरू के ऊपर ये लाइंस आपको जो नज़र आ रही होती है, इधर प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही होती है, तो मैं अपने लिंक्स डाल देता हूँ, आप उन लिंक को खोल के देखा करो, वहाँ पे आपको बेस्ट पार्ट टाइम बिजनेस के ऊपर भी मैं लगाऊंगा, मैंने बेसिक बेस्ट फूड डाइट के वाले से भी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके अलावा मैंने उसके ऊपर भी बनाई हुई है कि बर्ड्स बेसिक क्या होता है, बर्ड बेसिक इन्फॉर्मेशन बर्ड्स के हवाले से, जो नया बंदा है वो किस फील्ड में कैसे आए, कौन से बर्ड्स से स्टार्ट ले, कैसे क्या देखे, क्या चीज़ें देखी, सारी मेरी आप सिर्फ एक मेरे यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट मेरी खोल लें, उसके ऊपर आपको जो है लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, 7-8 किस्म की मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको टाइटल्स नज़र आएंगे, बेस्ट पार्ट टाइम बिजनेस के हवाले से, बेस्ट डाइट के हवाले से, बर्ड्स को कैसे रखना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से जाके आप लोग देखें, मेरी शुरू से वीडियोस देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आदिल को इजाज़त दें, थैंक यू सो मच। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।